नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति घोटाले के बाद अब राशन आवंटन घोटाले में राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री एवं वर्तमान में वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को ईडी ने किया गिरफ्तार। 21 घंटे के लगातार पूछताछ के बाद ईडी ने किया मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार। इसके पूर्व शिक्षक नियुक्ति घोटाले में हुए गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी अब भी हैं जेल में। इसी मामले में टीएमसी के दो अन्य विधायक जीवन कृष्ण साहा और मानिक भट्टाचार्य भी जेल में बंद हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पश्चिम बंगाल से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले 200 लोगों की सूची आयकर विभाग ने जारी की है। इनमें पहले नंबर पर नंदिनी मोदी 70 करोड़, दूसरे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला 59 करोड़, तीसरे नंबर पर वरुण राठी 48 करोड़ एवं चौथे नंबर पर सिंगर अरिजीत सिंह ने 18 करोड़ रुपए इनकम टैक्स का भुगतान किया है। इस सूची में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली 45वें नंबर पर हैं। पश्चिम बंगाल में फिर एक बीजेपी विधायक ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थामा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में पड़ने वाले कोतलपुर के बीजेपी विधायक हरकाली प्रतिहार ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बैनर्जी के हाथों टीएमसी का झंडा थामकर दल में शामिल हुए। इस तरह बीजेपी की विधायक संख्या 74 से घटकर 67 तक पहुंच चुकी है। यानी वर्ष 2021 से अब तक 7 बीजेपी विधायकों ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। राज्य के टीएमसी विधायकों की संख्या बढ़कर 225 तक पहुंची है। पश्चिम बंगाल एवं केरल की सीपीएम बीजेपी विरोधी गठबंधन INDIA की चुनावी रणनीति में शामिल होंगे या नहीं, इस अहम विषय को लेकर दिल्ली में 3 दिवसीय सीपीएम केंद्र कमेटी की बैठक शुक्रवार से आरंभ हुई। इस बैठक में इस विषय पर सीपीएम का केंद्र नेतृत्व फैसला ले सकता है। सीपीएम एवं टीएमसी बीजेपी विरोधी गठबंधन इंडिया में शामिल है, परंतु पश्चिम बंगाल की सीपीएम टीएमसी से कोई समझौता नहीं करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में डेंगू से संक्रमित होकर मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। डेंगू से संक्रमित होकर SSKM हॉस्पिटल में एक मेडिकल छात्र की मौत हो गई। मृत मेडिकल छात्र का नाम अनिमेश माखीर बताया गया है। राज्य में अब तक डेंगू से संक्रमित होकर मारे गए लोगों की संख्या 67 हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।